हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि एसी के साथ हमको सीलिंग फ़ैन चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि एसी के साथ सीलिंग फ़ैन चलाने के कुछ लाभ हैं, कुछ हानि हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको अपने रूम का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए ताकि आपका जो बिजली का बिल है वो भी बच सके और आपका रूम भी ठंडा हो सके और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा हो। अगर आपका रूम ठंडा नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो हम उसके ऊपर भी बात करें हैं। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं लाता रहता हूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स उन घरों की जिनके ऊपर सनलाइट सीधा पड़ता है, जिनके छत के ऊपर सनलाइट सीधा आता है, सन का सूरज का रोशनी सीधा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सीधी सीधी बात है, उनको अपना सीलिंग फ़ैन जो छत वाला पंखा है उनको दोपहर को नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, वो पंखा हीट को नीचे मारेगा और आपका जो एसी है वो कूलिंग जल्दी नहीं कर पाएगा। आप क्या कर सकते हैं कि आप रात के टाइम अपना सीलिंग फ़ैन चला सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो तो रात को सूरज का रोशनी नहीं होगा, छत ठंडा होगा, तो आपका रूम जल्दी ठंडा हो जाएगा सीलिंग फ़ैन के साथ। आप दोपहर को, आपके लिए मैं सुजेशन करूंगा कि आप सीलिंग फ़ैन चलाने के बजाय आप क्या करें, एक टेबल फ़ैन ले लें, टेबल फ़ैन का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, जिनके घर में जिस रूम में एसी लगा हुआ है उस एसी वाले रूम के ऊपर अगर एक और रूम है, तो फिर आप चाहे दोपहर हो चाहे रात हो, आप सीलिंग फ़ैन यूज़ कर सकते हो। सीलिंग फ़ैन का आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्यों, एसी के साथ अगर हम सीलिंग फ़ैन चलाते हैं या टेबल फ़ैन चलाते हैं उसके साथ क्या होता है कि जो एसी हवा हमको ठंडी ठंडी हवा मारता है, कूलिंग करता है, वो हमारा पंखा रूम में उसको सर्कुलेट कोने कोने तक कर देता है। उसके साथ क्या होता है कि रूम जल्दी ठंडा हो जाता है, रूम ठंडा होते ही आपके एसी का कंप्रेसर जल्दी बंद हो जाता है, जिसके साथ क्या होता है आपका बिजली का बिल भी बचता है। बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके रूम में हैं बहुत सारे अप्लायंसेस जैसे जो कि हीट पैदा करते हैं, आप उनको रूम में से निकाल दीजिए, एसी वाले रूम में से निकाल दीजिए। अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो जब आप एसी इस्तेमाल करते हो तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल मत करो, नहीं तो आपका रूम जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा। आपको अपने एसी वाले रूम को फुली एयर टाइट बनाना है, आपको कोई भी खिड़की दरवाज़ा खुला नहीं रखना है, कोई ऐसा भी कोना नहीं होना चाहिए जहां से आपका जो एसी का कूलिंग है, ठंडा ठंडा कूलिंग है, वो बाहर जाए। अगर ऐसा होता रहेगा, कूलिंग बाहर जाता रहेगा, तो आपका एसी रूम को जल्दी ठंडा नहीं कर पाएगा, ना ही आपके एसी का कंप्रेसर जल्दी बंद हो पाएगा, तो आपका बिजली का बिल बढ़ता जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपको अपने एसी का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपने एसी को 16, 17, 18, 19 पे चलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, वो हमको भी बीमार कर देगा। और दूसरी बात, वो रूम को जल्दी ठंडा तो करेगा लेकिन आपके बिजली के बिल को भी बढ़ा देगा, आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा अगर आप बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे एसी चलाते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 24, 25, 26, आप 24 से ऊपर ही अपने रूम का टेम्परेचर, एसी का टेम्परेचर रखें। उसके साथ क्या होगा कि आपकी बॉडी के लिए भी वो टेम्परेचर सही रहेगा और आपका जो बिल है वो भी कम आएगा और आपका रूम भी जल्दी ठंडा हो जाएगा, पंखा यूज़ करोगे तो साथ में। और आगे हम बात करते हैं कि अगर आपने ये सब कुछ कर रखा है जो मैं इस वीडियो में बताया, फिर भी आपका रूम ठंडा नहीं हो पा रहा, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि आप अपने एसी का सर्विस टाइम टू टाइम करते रहें, क्योंकि जो एसी का जाली होता है उसमें बहुत सारा डस्ट कचरा फंस जाता है, आप उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। फ्रेंड्स, एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ इस वीडियो के बाद कि आप अपने घर का एसी खुद कैसे क्लीन कर सकते हैं एक प्रोफेशनल की तरह, क्योंकि जब एक प्रोफेशनल आते हैं आपको भी पता है कि आपको 500-700 रुपया, 1000 रुपया ऐसा सर्विस के ऊपर देना पड़ता है चार्जेस, वो आपके मैं बचाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको खुद बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल की तरह आप एसी का सर्विस कैसे कर सकते हो घर में फ्री और आपके कितने पैसे बच सकते हैं, तो उस वीडियो को मैं जल्दी ही लॉन्च करूंगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक इस वीडियो को ज़रूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।